जैसे कि भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, संत अच्युतानंद दास जी के बहुत सारे ग्रंथों से ये प्रमाण मिलता है, खाली पूरी जगन्नाथ धाम से ही नहीं बल्कि चारों धाम से मिलेगा नकारात्मक संकेत और तब ये माना जाएगा कि ये कलयुग की अंतिम कालखंड की अंतिम लीलाएं हैं। तो फिर हाल ही में हमें देखने को मिला पूरी जगन्नाथ धाम की हम बात कर रहे हैं, पूरी जगन्नाथ धाम में जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के बिल्कुल निकट जो गुमट है वहां से अग्नि संजोग हुआ। तो अग्नि संजोग क्यों हुआ, कहां से हुआ, कब हुआ, इसकी अभी तक कोई पुष्टि हमें नहीं मिला है। लोगों का ये मानना है, प्रशासन का ये मानना है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है अग्नि संजोग हुई है। और ऐसे नकारात्मक संकेत पिछले 2 सालों से लगातार हमें मिल रहा है। अगर हम नकारात्मक संकेत की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर में पिछले ही कुछ दिनों में आपको शायद पता होगा जो सिंह द्वार है वहां पे एक किन्नर ने कूद कर आत्महत्या भी किए थे। महाप्रभु जी के जो रोष घर है जहाँ पे महाप्रसाद बनता है वहाँ पे जो चूल्हे थे उसको तोड़ दिया गया। खाली इतना ही नहीं, कई बार पत्थर भी गिरने की ये नकारात्मक संकेत मिला है। खाली इतना ही नहीं, 2019 में चक्रवाती तूफान फनी के कारण मंदिर के प्रांगण में जो है दिव्य कल्पवट वो भी प्रभावित हुआ था। तो फिर 2022 में जो नील चक्र है उसके ऊपर बहुत सारी संख्या में चील उड़ने के भी नकारात्मक ये जो संकेत हमें देखने को मिला था। तो ये बार बार संकेत हमें देखने को मिल रहा है पूरी जगन्नाथ धाम से। तो इसका अर्थ क्या है, क्या समय निकट है, क्या प्रलय लीला निकट है, इस विषय पर हमारा आज का चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कल्कीलीला पुस्तक की राइटर, लेखक और मालिका रिसर्चर श्री पुलिंद बिहारी पांडा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो बार बार हमें मिल रहा है कि नकारात्मक संकेत पूरी जगन्नाथ धाम से, क्या है इसका अर्थ, मालिका क्या प्रमाण देता है? देखिए, जगन्नाथ धाम जो है वो कलयुग का धाम है, बाकी तीनों धाम आपका बद्रीनाथ है सत्य जी का धाम, रामनाथ है त्रेता का धाम, तो ये आपका द्वारिकानाथ, हाँ द्वारिकानाथ है द्वापर का धाम, जगन्नाथ धाम है पूरी है कलयुग का धाम। अच्छा, तो ये धाम में जो मिलेगा संकेत वो एक युग के लिए है। अच्छा, इसी युग के लिए है। अच्छा संकेत मिलेगा तो अच्छा होगा, बुरा संकेत मिलेगा तो बुरा होगा। बुरा हाँ। आपको याद होगा जब वो ईगल सब उड़े थे पर, चील, चील। जो बताया आप अभी, उस टाइम एक बात बोला था, क्या कभी एरोप्लेन पर चढ़ने का टाइम आ गया। अच्छा, अच्छा। आपका जो वही था युद्धोबान उड़ने का टाइम हो गया, यानी एक भयंकर युद्ध होने की संभावना है और उसके बाद आपका यूक्रेन रशिया युद्ध चालू युद्ध हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हर संकेत जो पूरी मिलता है वो सारा पृथ्वी के लिए है। जी जी जी। खाली उड़ीसा के लिए नहीं या भारत के लिए, सारे जगत के लिए है, इसलिए उनका नाम है जगत का नाथ, जगन्नाथ। अच्छा, एक बात और है कि जैसे कि हमें पता है कि जो फनी महावात्या, फनी चक्रवाती तूफान जो हुआ था तो ये 2019 में हुआ था और उस समय जो कल्पवट वृक्ष है वो प्रभावित हुआ था। और मालिका में ये भी लिखा है जब कल्पवट वृक्ष जो है प्रभावित होगा तब विश्व में मौत का तांडव दिखेगा। और 2019 में ही हमें देखने को मिला कोरोना महामारी के कारण विश्व में मौत का तांडव। तो इसका मतलब वही है कि जब जब जगन्नाथ धाम में जो कुछ होता है, अनन्य घटना वहां पे होती है, तब तब पूरा विश्व में ये प्रतीत होता है। तो क्या आगे भी ये होगा, ये सिलसिला होगा, या फिर कहीं ना कहीं ये पूर्णच्छेद पड़ जाएगा? देखिए, अभी एक घटना दूसरा घटना बीच में थोड़ा समय व्यवधान रहता है। जी, वो व्यवधान आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अभी 5 महीना 6 महीना या साल में एक बार होता है ये सब चीज देखने को मिलता है ये सब। हाँ, कभी कभी व्यवधान 6 महीना हो जाता है। अभी एक ऐसा टाइम आएगा हर महीना में आपको दिखना मिलेगा
कुछ ना कुछ मंदिर में। अच्छा 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 अच्छा, जितना ये आपका व्यवधान कम होता जाएगा उसका मतलब यही रहेगा उतना विपद पृथ्वी का आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आग लगा मंदिर के अंदर, आग लगा एक पेड़ जलता हुआ दिखाई दिया, उधर छोटा पेड़, लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ है, अभी तक नहीं होता। अभी तक उसका कोई पुष्टि तो सामने आई नहीं है, लोगों का ये मानना है, लोग ये जहाँ आग लग जाता है सब बोलते शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, तो वो भी बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन एक्चुअली कैसे हुआ क्या हुआ किसको मालूम नहीं, ये बस अनुमान करके बोल रहे हैं, अनुमान होता है जी। अभी देखिए आज पर बालिका टाइम ऑफ माँ काली, माँ काली का टाइम चल रहा है अभी। माँ काली जी का यहाँ पे क्या रहेगा रोल? माँ काली अग्निभूता आविर्भाव होंगे, अग्निभूता है। अच्छा, अग्निभूता, हाँ अग्नि, उसका उससे अग्नि निकलता है, वो जलाता है, काम उसका वही है जलाना, वही दिखा दिया ये मंदिर में जलाता सब जगह जलेगा, अभी दूध के लिए जलेगा, लोगों के लिए जलेगा, किसी कारण के लिए जलेगा, कहाँ बम गिरा जल जाएगा, अच्छा कहाँ जंगल में आग लगा जल जाएगा, लेकिन गांव के गांव जल जाएगा, जलेगा सारा पृथ्वी। अच्छा। में जलेगा, इसका मतलब है कि जो फायर एक्सीडेंट का एक सीरीज आरंभ हो जाएगा। हाँ हाँ, और इसका मतलब ये भी हुआ इस पृथ्वी विशुद्ध होने का समय निकट हो गया। अच्छा, विशुद्ध होने का समय भी निकट है, निकट हो गया। अच्छा, नहीं मतलब यहाँ पे जलना और विश्वयुद्ध इसका क्या लिंक है, संबंध क्या है? आपका जो बाउंड्री है श्री मंदिर का वो क्या है, क्या है? तो बाउंड्री का मतलब है श्री मंदिर इज द वर्ल्ड। ओके, महिला की पति उधर बैठते हैं, वही पति वही बैठते हैं, ये उसका बाउंड्री है, समस्त जगत के जो राजा हैं वो वहीं पे बैठते हैं, उसका अंदर जो जो है वो सारा पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो उधर जो होगा सारा पृथ्वी में होगा, तो बाउंड्री के अंदर जो होगा वो सारा पृथ्वी में होगा। नहीं, मेरे मेरा मानना ये भी है कि संघ क्षेत्र है पूरी, संघ क्षेत्र वो क्षेत्र में जो होगा वो सारा पृथ्वी में होगा। अच्छा अच्छा, वो क्षेत्र में जो कुछ भी होगा। हाँ, आपको लगा आपकी बात का लगभग मैं काट नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाल ही में पुरी के पुरी जो शहर है, जो मंदिर है, मंदिर के बगल में जो एक जो मार्केट है उसका नाम है तो भूल रहा हूँ, लक्ष्मी मार्केट है शायद, तो उसके अंदर एक जो अग्नि संयोग हुआ था उसमें बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बच गए थे, लेकिन उसके चलते उसके ठीक आगे लगभग समग्र देश में समग्र विश्व में 1200 जगह पर अग्नि संयोग का जो न्यूज जो है सामने आया था, कहीं जंगल जल रहा था, कहीं शॉपिंग मॉल जल रहा था, कहीं इंडिविजुअल बिल्डिंग जल रहा था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब तो वही है, जो कुछ भी पूरी धाम में होगा और पूरा विश्व में प्रतीत होगा। भक्तों के लिए क्या आपका रहेगा संदेश? भक्तों को डरने का जरूरत नहीं, बिल्कुल भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है, जो खुद को खुद रक्षा करना चाहेगा तो मरेगा। अच्छा, फिर जो उसका बोर्ड छोड़ देगा भगवान, मेरा कुछ करने का नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे बताना तुम बताओ, मारना तुम मार दो, बताना बात तुम है, जो इससे उस पर रहेगा वो कुछ का कुछ नहीं होगा। और जो खुद ट्राई करा मैं बच जाऊंगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने से बच जाऊंगा, वो नहीं रहेगा। अच्छा, दर्पण उसका अंदर मुकार है, गवन है, अपना शक्ति में भी उसका विजय है, लोगों का शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं हो रहेगा। नहीं तो भक्तों की रक्षा के लिए माँ काली जी की क्या रहेगा रोल, भूमिका क्या रहेगा? माँ विभिन्न रूप में आया है अभी। अच्छा, उनका सब रूप में पाया प्रकट है माँ, अभी पृथ्वी पृष्ठ पर उन लोग को प्रभु दिए है, चार्ज दिए है, जितना रूप में आए सब रूप को प्रभु चार्ज दिए है, तुम्हारे पास इतना लाख उनको देता है हमारा भक्त, उसको सुरक्षा करना, सबको ऐसा बोल के दे, कुछ कुछ गिन गिन के दिया है भक्तों को, और बोला है हम गिन गिन के लेगा वापस। अच्छा, जो माताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक माता जी को इतने इतने भक्त जो है उनके जिम्मे में दिया गया है, और अंतिम समय में उतना ही भक्त उनके से वापस ले जाएगा। हाँ, ये भक्त कम हो जाएगा तो फिर माताओं की यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हाँ, नेचुरली
एक भक्त कम होना नहीं चाहिए, बोला है एक भक्त भी कम होना नहीं चाहिए, और एक भक्त कम होगा भी नहीं, तो उनका रक्षा कवच जो है वो हो जाएंगे माता जी। माता जी का सात चक्र, माँ का सात सेवन चक्र, सेवन चक्र, हाँ सात चक्र घूमता रहेगा खुद भक्त का। अच्छा अच्छा, भक्त को रक्षा के लिए, सेव करने के लिए उसको। अच्छा 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 अच्छा, जब थोड़ा समय आ जाएगा, विपद आ जाएगा, हाँ, तो चक्र उसको सेव करेंगे। आप जो बोल रहे थे कि पिछले वीडियो में आप बोल रहे थे कि कुल मिला के कितने भक्त जो है बचेंगे पूरे विश्व में जो है, सारा विश्व एक 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 120 करोड़, पूरा अभी तक लगभग 800 करोड़ है, 800 करोड़, 120 करोड़ से लेके आपका 160 करोड़ तक पहुंचेगी। अच्छा 120 करोड़ से लेके 160 करोड़, बस इतना ही, बस इतना ही, और बाकी कहीं जाएंगे सब कैसे, में जाएंगे, रूम में जाएंगे, मतलब नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा या फिर कैसे, क्वांटिटी होगा, वार होगा, विश्व युद्ध, हाँ महायुद्ध होगा, भिन्न रूप में जाएंगे वो लोग, भारत में है, भारत में, भारत तो अभी सबसे मतलब आबादी वाला देश है, कौन सा, हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, भारत में, भारत में 33 करोड़ आउट ऑफ 140 सिर्फ ज्यादा है अभी। अच्छा 140 करोड़ से मात्र 33 से 36 करोड़ बचेंगे, बाकी जाएंगे कैसे, वही जी सेम उपाय में, रूप बजा में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, अपना बीच में हाकट हो गई वो भी जाएंगे, प्रलय में जाएंगे, भूकंप में जाएंगे, विभिन्न उपाय में जाएंगे वो लोग। अच्छा 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 अच्छा, चलिए इसमें क्या है, आपको बोलता हूं मैं, 1940 तक भारत का पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली वाज बिटवीन 33 करोड़, हाँ ये बात है, 36 करोड़ था आफ्टर 1940, स्पेशली आफ्टर 47 बढ़ता रहा पॉपुलेशन, अभी 140 करोड़ हो गया, विल बी बैक दैट। ओके 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 ओके, उसी टाइम को फिर दोबारा, अच्छा उसी समय को हम फिर से दोबारा लौट आएंगे, हाँ, जो 1936 में जो हुआ था, हाँ, तब 36 करोड़ था, अच्छा उसी को हम लौट आएंगे। शास्त्र में लिखा है एक एक नर के लिए एक देवता, अच्छा 33 करोड़ देवता है, जैसे हिंदू में जैसे कहा गया है 33 कोटि हमारे देवता है, देवता है 33 कोटि लोग नर रहेंगे। अच्छा अच्छा, हर एक नर के अंदर हर एक, एक, हाँ, एक देवी और देवता रहेंगे, चार दिया हुआ ना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आपने खोल दी है इस वीडियो में, तो जो जो लिखा हुआ है लिखा ही हम बोलता है, तो इसमें क्या है, आपको जितना एक्स्ट्रा हो गया वो तो रहेंगे नहीं, जाना पड़ेगा उसको, उनका मुख्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अब हमारे हिसाब से हमारे शास्त्र के हिसाब से वो लोग का मुख्य मुख्य प्राप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कलयुग में फिर आएंगे वो लोग दोबारा आएंगे ना दोबारा। अच्छा, बाकी जो भक्त है वो रहते हैं तो चार युग में रहते हैं, जो भक्त जो है बच जाएंगे वो फिर सत्ययुग में जाएंगे, वो चार युग में रहते हैं, सत्य में रहेंगे, तृतीय में रहेंगे, द्वापर में रहेंगे, कलयुग में रहेंगे। अच्छा अच्छा, अभी भी है 33 करोड़ भक्त है। अच्छा अभी भी है पूरे विश्व में या पूरे भारत में, भारत में, भारत के अंदर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे दर्शकों को, आपने बहुत मूल्यवान तथ्य आपने प्रदान किए। तो आप अभी सुन रहे थे कल्कुला पुस्तक के राइटर और मालिका रिसर्चर श्री पुलिंदर पंडा जी को। श्री पुलिंदर पंडा जी का मानना है भले ही प्रलय कितना भी भयंकर है लेकिन भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है, भक्त जो है भगवान हमेशा उनको रक्षा कवच बनेंगे। तो फिर कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट में आपका मत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जय जगन्नाथ, जय 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 पंच, जय पंच सका।